Hello students, so we were talking about the chapter Animal Kingdom and aaj hum karne wale hain Metamerism. Yeah, hum basis of classification mein animals mein baat kar rahe the ki animals ko humne bahut sare phylum mein divide kiya hai, kis basis pe divide kiya hai uski baat kar rahe the. In the basis of classification hamara fifth point hai Metamerism. Metamerism, it is a phenomena in which the body or the organs is externally and internally divided into repeated segments, that is metamers. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं metamers में, ठीक है. इट इज अ फिनोमिनल इन विच द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली. जैसे ये अर्थफॉर्म है, ये अर्थफॉर्म आप देख सकते हो, उसकी आउटर बॉडी पे मॉर्फोलॉजी पे आपको दिख रहा है कि अर्थफॉर्म इज हैविंग अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स. ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट अर्थफॉर्म इज हैविंग अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स एंड अर्थफॉर्म के जो सेगमेंट्स है वो एक्सटर्नली ही नहीं है, एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है. मतलब दीज मेटामर्स बेसिकली लाई डीप अराउंड, डीप बिल्कुल अंदर जाके भी है ये जो मेटामर है लाई करते हैं. For example, annelids and arthropods. Some annelids and some arthropods are having basically true segmentation, जिसको हम metamerism बोलते हैं. Metamerism में क्या होता है, पूरी body जो होती है that is divisible into smaller smaller fragments. They are known as the metamers. Notochord. Basis of classification में हमारा sixth point है, that is notochord. What is notochord? Notochord is a kind of supporting rod that is mesodermal in origin. ये आपको चीज याद रखनी है कि जो true notochord है वो mesodermal in origin है, formed on the dorsal side. हमने बहुत सारी sides की थी. These were dorsal, ventral. Dorsal मतलब upper side, ठीक है. Dorsal, anterior, posterior and वेंट्रल साइड नीचे वाली साइड होगी, डॉर्सल साइड ऊपर वाली साइड होगी. तो ये आप देख सकते हो जो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल होती है, ठीक है. ड्यू टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कई एनिमल्स के अंदर, फिशेस के अंदर हम नोटोकॉर्ड को देख सकते हैं. वो क्या होती है, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड सपोर्टिंग रॉड है जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है. अब हमारा जो नोटोकॉर्ड है, आप मानोगे नहीं कि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के बेस पे ही हमने सारे एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स पे. नोटोकॉर्ड है ना, जिनके पास नोटोकॉर्ड है दे आर नोन एज द कॉर्डेट्स एंड जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है दे आर नोन एज अ नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स के अंदर हमारे कौन कौन से फाइलम होते हैं, लेट अस सी. पॉरीफेरा, सीलेंटुएटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथ्स, एस्केलहेलमिंथ्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड एक और फाइलम मिस हो गया, दैट वाज अ मोलस्का. जो मोलस्का है वो भी है, दैट इज अ नॉन कॉर्डेट. तो बेसिकली द 10 फाइलम्स हमारे पास ऐसे हैं जो नॉन कॉर्डेट्स हैं एंड एक फाइलम ऐसा है जो है हमारा कॉर्डेट्स का जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं. यू कैन सी मेसोडर्मल, आप अपने पीछे हाथ लगा के देखो, देयर यू कैन फील द वर्टेब्रल कॉलम. एम्ब्रियोनल स्टेज में जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो नोटोकॉर्ड होता है. नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मल डिराइव्ड टिश्यू जो सपोर्ट में हेल्प करता है. अब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे
अब हम सारे फाइलम्स को पढ़ने वाले हैं, तो लेट अस सी। फर्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, नेक्स्ट है जर्म लेयर्स का, उससे नेक्स्ट है सिमेट्री का, उससे नेक्स्ट है सीलोम का। नोटोकॉर्ड का डिफरेंस तो हमने कर ही लिया था कि जिनमें नोटोकॉर्ड है दे आर द नॉन कॉर्डेट्स, सॉरी जिनमें नोटोकॉर्ड है दे आर द कॉर्डेट्स एंड जिनमें नहीं है दे आर द नॉन कॉर्डेट्स। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, जर्म लेयर कोई भी प्रेजेंट नहीं होती है। सिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिकल हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है, आइदर एसिमेट्रिकल होगा आइदर रेडियल होगा, बायलेटरल नहीं होगा। सिलोम एब्सेंट है तो एसिलोमेट। नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनमें सिर्फ टिश्यू फॉर्म होता है, कोई ऑर्गन नहीं फॉर्म होता, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं फॉर्म होता। इनमें दो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म की हेल्प से पूरी बॉडी डिवेल्प हो जाती है। सिमेट्री बोथ नाइडेरिया एंड टीनोफोरा में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। सिलोम दोनों में ही नहीं प्रेजेंट है। नाउ अबाउट एस्केल हेलमेंथिस, प्लैटी हेलमेंथिस। प्लैटी हेलमेंथिस में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकी सिमेट्री क्या है, बायलेटरल, बिकॉज दे आर वॉर्म्स। ठीक है, ये वॉर्म्स होते हैं और वॉर्म्स को हम बायलेटरली डिवाइड कर सकते हैं, रेडियली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिलोम इनमें एब्सेंट है तो ए सिलोमेट। एस्केल हेलमेंथिस आर द ओनली फाइलम दैट आर हैविंग स्यूडोसिलोमेट्स। इनमें जो सिलोम है दैट इज स्यूडोसिलोम। सिमेट्री क्या है, इनकी बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड ऑर्गन सिस्टम है। फिर एनलिडा से लेके मतलब अर्थवॉर्म के फाइलम से लेके कॉर्डेटा मतलब ह्यूमन बींग्स तक सभी में क्या है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। आइदर आप अर्थवॉर्म को देख लो, अर्थवॉर्म के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो जर्म लेयर्स है सबकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। बायलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। एकाइनोडर्मेटा की, ओनली एकाइनोडर्मेटा की जो होती है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एकाइनोडर्मेट्स आर हैविंग रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री होती है। एकाइनोडर्मेट्स की भी एडल्ट जो फॉर्म होती है ना, वो बायलेटरली ही सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली रेडियल तो ओनली लार्वल फॉर्म होते हैं। So, ये दोनों होते हैं, रेडियल एज वेल एज बायलेटरल। सिलोमेट्स है मतलब सिलोम है जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, एंड जो सिलोम है दैट इज मेसोडर्मली, मेसोडर्म क्या होता है उसका लाइनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मेसोडर्म। अब हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट फाइलम पे, दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा। तो लेट अस रीड अबाउट दिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमने पढ़ा था। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है, दे आर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री क्या होती है, आइदर रेडियल और एसिमेट्री। ठीक है, या तो रेडियल होगी या कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। जर्मिनल लेयर्स हैं, देयर आर थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट एंड सिलोम इज नॉट प्रेजेंट। हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। हम फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है तो ये डाइजेशन कैसे करते हैं। फिर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट विदाउट ऑर्गन सिस्टम हाउ डज द रेस्पिरेशन अकर। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन बेसिकली। फिर यूनिक फीचर्स पढ़ेंगे कि जो हमें पॉरीफेरेंस में देखने को मिलते हैं, फाइनली द एग्जाम्पल्स। सो स्टार्टिंग विद अवर फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पता है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं या रेडियल होते हैं, कोई भी जर्म लेयर नहीं होती बिकॉज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल सेल्स होते हैं वो अपने काम करते हैं,
सीलम में, सीलम क्या है इनमें? एब्सेंट है। हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? मोस्टली आर एक्वाटिक, एक्वाटिक होते हैं या तो सेडेंट्री होते हैं कि बेसिकली वो स्टोन्स के साथ या किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये सेडेंट्री है, ये अटैच्ड है, सॉलिटरी और कॉलोनियल। अटैच हो सकते हैं, अकेले भी अटैच हो सकते हैं, इन द कॉलोनी भी अटैच हो सकते हैं। ये सारे पॉरीफेरन्स ही है जो आप डायग्राम में देख रहे हो, दीज आर बेसिकली द पॉरीफेरन्स। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, टेक्स प्लेस इन साइड द सेल। ठीक है, हर एक सेल में इंडिविजुअली डाइजेशन हो जाती है। रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है वो इनमें एब्सेंट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है। नाउ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसे होगी? फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होगी। सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो जो पॉरीफेरन्स आर हर्माफ्रोडाइट, उनमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक ही इंडिविजुअल में। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, एंड डेवलपमेंट क्या है? लार्वल। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज की हेल्प से डेवलपमेंट होती है, कि पहले लार्वल स्टेज आते हैं उसके बाद एडल्ट फॉर्म आती है। नाउ इनका वॉटर कैनाल सिस्टम, स्पेशल फीचर्स में बेसिकली इनका आएगा वॉटर कैनाल सिस्टम। देखो हमने पढ़ा कि यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इंट्रासेलुलर, हर एक सेल में अपनी अपनी डाइजेशन होती है, उसके बाद सर्कुलेशन भी कोई नहीं होता है। तो वॉटर कैनाल सिस्टम है एक चीज जो स्पॉन्जेस में, बेसिकली पॉरीफेरन्स में, पॉरीफेरन्स को स्पॉन्जेस बोलते हैं, स्पॉन्जेस में बहुत कॉमन है। दैट इज वॉटर एंटर्स थ्रू मिलियन ऑफ माइन्यूट पोर्स इन बॉडी वॉल इंटू अ सेंट्रल कैविटी फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्टिक्यूलम। ठीक है, बॉडी ऑस्टिया के अंदर, जैसे ये आपको बॉडी दिख रही है, ये सारी क्या है? ये हमारे स्पॉन्जेस की बॉडी है। ये बॉडी दिख रही है, बॉडी के बाहर जो है बहुत सारे पोर्स हैं, पानी इसके थ्रू एंटर कर जाता है, पूरी बॉडी में रिवॉल्व करने के बाद ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है, इससे एंटर करके ऑस्क्यूलम से बाहर। जैसे ही पानी पानी इसके अंदर से घुस के बाहर जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, और वो फूड मटेरियल भी ले आता है, गैस एक्सचेंज भी हो जाती है वाटर मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं सारे। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली एक वाटर कैनाल सिस्टम है कि पानी पास करता है, पानी जब पास करता है तो सारी यूजफुल एंड हार्मफुल चीजों को ले जाता है, यूजफुल चीजों को दे जाता है, और ऑक्सीजन भी क्या है? ऑक्सीजन भी ऐसे ही मिल जाती है। तो ये तरीका है कि जिससे जो पॉरीफेरन्स होते हैं उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अच्छे से सब काम कर पाते हैं, क्योंकि ये पानी पानी में होता है। अगर वो सीडेंट्री है तो भी ये अटैच्ड है, तो भी पानी क्या है वो पास हो सकता है। क्वानोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता होता है, इसको नोट कर लो, इसको मार्क कर लो, इसको स्टार कर लो। क्वानोसाइट्स का नाम होता है कॉलर सेल्स। क्वेश्चन ये आता होता है किस किस फाइलम में क्वानोसाइट्स पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द पॉरीफेरा। कैनाल्स है जो स्पॉन्जोसील्स, बेसिकली स्पॉन्जेस के अंदर जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं, और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको क्वानोसाइट्स बोलते हैं। क्वानोसाइट्स आर द कॉलर सेल्स। ये जो सेल है उसका ये कॉलर है, और ये क्या कर लेता है? फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। देन सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस हो जाती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाती है, एंड अल्टीमेटली उसको क्या मिल जाता है? उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, बेसिकली द स्पॉन्ज। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पॉन्जिन फाइबर। एक्सटर्नली एंड इंटरनली स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं जो क्या करते हैं? इसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई भी शेप जा पाती है।
क्या होते हैं ये स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जो ये येलोइश है बेसिकली दे आर स्पिक्यूल्स एंड सॉरी स्पॉन्जिन फाइबर्स, एंड जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये है स्पिक्यूल्स, ये बॉडी के साथ अटैच होते हैं जिसकी वजह से बॉडी को प्रॉपर शेप मिलती है। नाउ पॉरीफेरा की एग्जाम्पल, स्कायन, स्कायन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, स्पॉन्जिला इज अगेन इंपॉर्टेंट, एंड यू स्पॉन्जा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बाथ स्पॉन्ज देखा आपने, यू स्पॉन्जिला इज द बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, इसको हम एज अ बाथिंग स्पॉन्ज यूज करते हैं, बाथ में जो स्पॉन्ज यूज करते हैं ये यू स्पॉन्जिला ही होता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला का नाम है, स्काइफा इज द नेम ऑफ स्कायन। तो ये नाम, साइंटिफिक नेम्स एज वेल एज द कॉमन नेम्स बोथ आर इंपॉर्टेंट। नाउ we can see the characters of phylum Porifera at glance. They are that unka jo grade of organization hai, level of organization, that is cellular. The symmetry is mostly asymmetric. Kahi hote hain radial, kahi hote hain asymmetric. The germ layers are absent because they are cellular. Coelom is absent. Habitat kya hai? Ya to aquatic hai ya sedentary hai. डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये तीनों का काम कौन कर सकता है? ये तीनों का काम वाटर कैनाल सिस्टम कर सकता है। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या है? क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्वानोसाइट्स क्या करते हैं? ट्रैप करने का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन असेक्शुअल भी होती है, सेक्शुअल भी होती है। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है एंड लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है। Asexual reproduction किसकी हेल्प से हो रही है? Asexual reproduction is taking with the help of fragmentation. Unique features of phylum Porifera are water canal system is present, millions of ostia are present, spongocoel and quanocytes are present, and body is supported by spongin fibers and spicules, जिसकी वजह से उनकी body क्या है? Rigid दिख सके। Examples क्या है? Scion, spongula and eusponger. These are three examples. Scion को हम skypha बोलते हैं, spongula को freshwater sponge बोलते हैं, eusponger को bath sponge बोलते हैं। Now we are coming to the phylum Cnidaria, our next phylum. उसके general characteristics में we are going to talk about the grade of organization. जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ Cnidaria है वो है टिश्यू। Porifera में क्या था? सेलुलर लेवल था, और Cnidaria में क्या है? टिश्यू लेवल है। सिमेट्री है जो उनकी, वो है रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर्स, बेसिकली देर आर टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म की हेल्प से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है। Coelom is basically absent and the organisms are known to be acoelomate. अब इनका हैबिटेट देखते हैं। Cnidarians are also known to be aquatic. Aquatic में they are mostly marine, some may be freshwater. Now they are not sedentary or attached. ये attached नहीं रहते हैं। They are sessile. They may be attached but they are free swimming. ठीक है, ये भी सॉलिटरी अकेले ग्रो कर सकते हैं या कॉलोनियल ग्रो कर सकते हैं। हैव यू सीन फाइंडिंग डॉरी और फाइंडिंग नीमो? दिस टू मूवीज आर रियली इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्वेटिक लाइफ। आपको स्पॉन्जेस, फिशेस, Cnidarians बहुत कुछ देखने को मिलेगा। It is really, really very interesting movie to understand and to learn more and more about biology. Okay.
तो सिसाइल हो सकते हैं या तो अटैच्ड हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं नाइडेरियंस, अकेले रहते रहने वाले हो सकते हैं या कॉलोनी में ग्रो करने वाले हो सकते हैं. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उनका इनकम्प्लीट होता है. इनकम्प्लीट का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट तो है लेकिन उनकी दो ओपनिंग्स नहीं. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने डेफिनेशन क्या की थी, वो ये डेफिनेशन की थी कि जिसके पास दो ओपनिंग्स है दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड जिसके पास ओनली एक ओपनिंग है दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. डाइजेशन इनकी भी इंट्रासेलुलर होती है एक्स्ट्रासेलुलर भी होती है बोथ. ठीक है. अब नाइडेरियंस में भी रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एब्सेंट है. रेस्पिरेटरी एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. नाउ सी डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट मीन्स ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट. डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बोथ. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट. रिप्रोडक्शन. पॉलिप एंड मेड्यूसा देयर आर टू टर्म्स. बेसिकली द एडल्ट एंड द लार्वल फॉर्म होते हैं जैसे वैसे ही हम पॉलिप एंड मेड्यूसा को बोलते हैं. एक जो नाइडेरियन है वो दो लाइफ स्टेजेस से होके जाता है पॉलिप एंड मेड्यूसा. उसमें से जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पॉलिप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मेड्यूसा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है. ठीक है. पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड मेड्यूसा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली. मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस. ठीक है. ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, दे आर डायोशियस. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, पानी के बाहर. बॉडी के बाहर होती है, पानी के अंदर होती है. बॉडी के बाहर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉरिफेरेंस में हो रही थी बट इनमें जो अब देखो पॉरिफेरेंस में तो वाटर कैनाल सिस्टम था. वाटर आता है, वाटर फूड भी ले आता है, ऑक्सीजन भी ले आता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ले जाता है और इन सम केसेस इफ देयर इज अ नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन तो स्पर्म्स को भी ले आता है एंड फर्टिलाइजेशन करवा देता है. डिवेलपमेंट जो होती है दैट इज इनडायरेक्ट लार्वल स्टेजेस जो है वो नाइडेरिया में भी देखने को मिलती है. टेंटिकल्स विद नाइडोब्लास्ट. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज इट इज अ यूनिक फीचर. यूनिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा हमने पढ़ा था दैट इज क्वानोसाइट्स, स्पॉन्जोसील्स, फिक्यूल्स. बट यूनिक फीचर ऑफ नाइडेरिया इज टेंटिकल्स विद नाइडोब्लास्ट. टेंटिकल्स आर वॉट? टेंटिकल्स आर बेसिकली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच सराउंड द माउथ ऑफ द सीलेंड्रेट्स. इट इज यूज फॉर द कैप्चर ऑफ फूड एंड डिफेंस. ये जहरीले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. कभी भी अगर प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं या प्रेडेटर से बचने के लिए यूज किए जाते हैं. नाइडोब्लास्ट आर स्टिंगिंग सेल्स, इसको हम नाइडोसाइट्स भी बोलते हैं और ये टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. टेंटिकल्स एंड बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड इनमें पॉइजन फिल्ड होता है. ये तो मैंने बता ही दिया था कि दीज आर पॉइजनस. पॉइजन किसके अंदर होता है, स्टिंगिंग सेल्स के अंदर. स्टिंगिंग सेल्स होते कहाँ पे हैं, टेंटिकल्स में होते हैं. ठीक है. ये स्टिंग कर रहे होते हैं बेसिकली. इसमें पॉइजन कौन सा होता है, निमेटोसिस्ट. नाइडोब्लास्ट आर द सेल्स, दे आर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी एंड इनके अंदर कहाँ पे क्या होता है, निमेटोसिस्ट एक टाइप का पॉइजन होता है जो पॉइजन नुकसान पहुंचाता है. नाइडोब्लास्ट इज यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस